गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्रीराम कॉलेज से आपके मैथ्स के ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर शुरू किया हुआ है, हमने एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद सेकेंड यूनिट शुरू की थी, जिसका नाम था हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू और वी हमारे पास जैसे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है, उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हमारे पास यू और वी ऐसे दो फंक्शन होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर हमें यू की वैल्यू दी है तो हमें इसका सेकेंड फंक्शन जो है वो फाइंड करना होगा, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी की वैल्यू। ठीक है, जिसे निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए थे। ठीक है, एक तो सिंपल हम इंटीग्रेटिंग करके इंटीग्रेशन करके उसको वैल्यू निकालते हैं वी की। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकाल सकते हैं। आज हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिससे हम वी की वैल्यू निकालेंगे, जिसका नाम है हमारे पास मिल्ले थॉमसन विधि। ठीक है, मेथड है हमारे पास मिल्ले थॉमसन, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसमें हमें पता है कि हम कोई भी हमें फंक्शन दिया होता है यू में। ठीक है, जैसे यू कोई भी फंक्शन दिया तो यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं। जैसे ही हम डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, फाइव एक्स कॉमा वाई फाइव वन, और सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली। उसके बाद जब भी हम मिलने फंक्शन मेथड लगाते हैं तो हमारे पास मेथड क्या होता है कि हमारा एफ डैश जेड जो है वो इक्वल होता है किसके, फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो इसके। ठीक है, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हमारे पास एफ जेड बन जाएगा और इधर इंटीग्रेटिंग का साइन लग गया हमारे पास फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट, डी जेड के रिस्पेक्ट, प्लस में कोई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, मिलने थॉमसन मेथड होता है। यानी हमें फाइंड क्या करना होता है, जो हम नॉर्मल फाइंड करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, जो भी हम नॉर्मल अपने इक्वेशन में क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, किसके लिए, क्योंकि हमें प्रूव करना होता है कि फंक्शन हमारा हार्मोनिक है। तो हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल जीरो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, ये चीज हम प्रूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये मेथड इजीली समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है हमें, एग्जाम्पल है जी हमारे पास जिसमें हमें दिया गया है, इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, बोला क्या, पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, बोला कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहले तो यही प्रूव करना कि जो भी फंक्शन गिवन होगा वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सेकंड हमें बोला आल्सो इन ईच केस डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, हमें वही चीज प्रूव करनी है, जैसे हमें यू दे रखा था हमें इसका डिटरमाइन करना है क्या इसका जो हार्मोनिक फंक्शन है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एफ जेड इक्वल यू प्लस आईटा भी है तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू एफ जेड इक्वल यू प्लस आईटा भी है तो डब्ल्यू इक्वल भी यू प्लस आईटा भी होता है। ठीक है, सेकंड हम यू की वैल्यू लिख लेते हैं क्या, यू एक्स कॉमा वाई हमें गिवन क्या, देखिए एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हमें दे रखा है जी प्लस वन। ठीक है, हमें दे कि एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है इसमें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फंक्शन दिया है हमें यू एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए क्योंकि हमें इसकी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। इसके लिए हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, हम एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। ठीक है, और इस सबका क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि बाकी वाई के रिस्पेक्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, सेम हमें
डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल क्या चल रहा है, आप देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास 6x। ठीक है, और देखिए ये तो y है हमारे पास हो गया नहीं, यहां से हमने इसका किया था 3y2। ठीक है, और यहां पे हमारे पास 6x, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 6x, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 के भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड हमें चेक करना है क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीजें चाहिए, हम पहले डेल यू अपॉन डेल वाई चेक करते हैं, तो चेक करिए डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्स का होगा नहीं जीरो, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6xy। ठीक है, इसका जीरो, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6y। ठीक है, और प्लस 1 का हमारे पास क्या होगा जीरो, बिकॉज कॉन्स्टेंट है हमारे पास। ठीक है, देन हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 6 है एक्स एंड माइनस का 6, देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6x + 6, एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 6x - 6। ठीक है, देन हम चेक करेंगे क्या आपके पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल जीरो आया, तो ऑब्वियसली हमारे पास इक्वल जीरो आ रहा है क्योंकि 6x + 6 - 6x - 6। ठीक है, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा जीरो, देन हमारा हार्मोनिक फंक्शन है लाप्लास इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने मैंने आपको क्या सिखाया था, दो विधियां बताई थी कि जैसे हम v निकालना चाहते हैं तो v को हम डीवी को हम कैसे लिखते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, वहां से हम दोनों का या तो इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर हम वहां से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, आज हम थर्ड मेथड करेंगे क्या मिलने थॉमसन मेथड, तो मिलने थॉमसन मेथड में देखिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है ये वाली चीज ये लिख रही हूं मैं, ये हमारे पास फाई वन एक्स कॉमा वाई के इक्वल होता है, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई हमारे पास इक्वल होता है फाई टू एक्स कॉमा वाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है मिलने थॉमसन में, मिलने थॉमसन मेथड हमारे पास क्या होता है एफ डैश जेड इक्वल आता है हमारे पास क्या फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो। ठीक है, ये चीज आती है, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा एफ जेड इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो, किसके रिस्पेक्ट में होगा z के रिस्पेक्ट में, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट हमारा c। ठीक है, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। अब देखिए 5x कॉमा y, ठीक है, तो चलिए क्या x की जगह z पुट होगा और y की जगह 0, जैसे ही x की जगह z पुट होगा जैसे मैं यहां आपको वैल्यू लिख देती हूं 5z 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए वैल्यू x की जगह आपने क्या पुट किया z, तो क्या आ गया हमारे पास 3z2। ठीक है, y की जगह 0 तो ये भी 0, यहां से हमारे पास क्या आ गया प्लस का 6z। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5z, 0। अब आपको चाहिए 5z, 0। ठीक है, जैसे ही आपको 5z, 0 चाहिए तो आप 5z, 0 चेक कर लीजिए, यहाँ से 5 की वैल्यू मेरी आपकी। अब देखिए y की वैल्यू 0 रखनी है तो दोनों ही हमारे पास क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है y चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए 5z, 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3z2 + 6z। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम dz और प्लस में कोई भी कांस्टेंट चल रहा है हमारा क्या c। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 3z³/3। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास प्लस 6z²/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन गई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या बच गया 3z². ठीक है, तो प्लस में हमारा कांस्टेंट चल रहा है c, तो क्या आ गया हमारे पास z³ + 3z². ठीक है, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट चल रहा है हमारा c, क्या आ गया हमारे पास f(z) की वैल्यू आ गई, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल्स में सॉल्व किया है कि कोई भी फंक्शन हमें u गिवन है इसका हम कॉन्जुगेट निकालते थे, देन हम u + आटा भी हम ये फॉर्म लेके क्या fz इक्वल u + आटा भी, जैसे ही हम ये फॉर्म लेते थे तो हमें u की वैल्यू दी होती थी, v की वैल्यू हम यहां पुट करके देन हम इसका पूरा जो सॉल्यूशन था वो किस में करते थे हम z में करते थे, लेकिन मिलने फंक्शन में जिससे हम डायरेक्ट fz की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि z के फॉर्म में हमारे पास आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन था एक सैंपल से जिसमें u x y की वैल्यू दे रखी थी और डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी लाप्लास इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो निकाल के हमें फंक्शन की
का ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, आप देखिए पार्ट बी हमेशा देखते हैं। तो बी पार्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, बी पार्ट में हमें गिवन है क्या, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल ई की एक्स एक्स कोस वाई माइनस y साइन ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। वही बात वापस करनी है हमें, पहले इसके लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करके देन हमें एक्सपेक्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ना v की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी पूछे कि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब देखिए इसमें भी वही चीज पूछी है इसने, तो सबसे पहले हम डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल दें। जैसे ही हम यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे देखो हमारे पास यू डॉट वी दो फंक्शन पड़े हैं, मुझे एक्स के लिए निकालना है। जैसे मैंने पहले ई की एक्स को बाहर रखा, ठीक है, ई की एक्स को बाहर रखा तो मैं इसका करूंगी, जैसे करूंगी तो एक्स का वन कोस वाई मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट स्टेप करूं, अब देखिए इस फंक्शन को बाहर रखना है ई की एक्स का, ई की एक्स क्या आ गया मेरे पास एक्स कोस वाई माइनस y साइन वन। ठीक है, अब देखिए अगर इसको इकट्ठा लिखना होगा दोनों में से e की x कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं e की x cos y plus x cos y minus y sin y। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम निकालते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x, उसके लिए निकाल लेते हैं हम। जैसे ही हम डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x उसके लिए निकालेंगे तो चेक करें यहाँ से, ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन मान लिया, पहले e की x का करें तो बाकी आधे भी रख लेते हैं हम, cos y plus x cos y minus y sin y। ठीक है, प्लस में अब देखिए अब e की x को बाहर रखेंगे तो e की x बाहर रख लिया हमने, अब नेक्स्ट वही बात, ये देखो y की फॉर्म में होगा नहीं, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos y और ये हमारे पास एज इट इज पड़ा है, तो वापस पूरे में से e की x कॉमन आ रहा है। देखो e की x cos y plus e की x cos y 2 e की x cos y आ जाएगा, तो e की x तो कॉमन आ ही रहा है, पीछे क्या बच गया मेरे पास 2 cos y plus x sin y minus y sin y। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास, क्या डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेल u अपॉन में डेल y। ठीक है, इक्वल में चेक करें डेल u अपॉन डेल y तो क्या आएगा, देखिए e की x फिर हमारे पास क्या बढ़ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करें तो ये देखिए x हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, cos y का हमारे पास क्या होगा माइनस sin y, तो माइनस x sin y, ये चीज आपकी फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड में चेक करें तो हमारे पास u डॉट v, क्योंकि दो फंक्शन है, जैसे ही मैं y को बाहर रखूं देखो sin माइनस का है क्योंकि बाहर माइनस पड़ा, y को बाहर रखा मैंने तो sin y का क्या हो जाएगा मेरे पास cos y। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, जैसे हम साइन वाई को बाहर रखेंगे वाई का क्या आ जाएगा मेरे पास वन, तो माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, अब देखिए ई की एक्स तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट चेक करें अब देखिए माइनस एक्स साइन वाई का मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करें, अब देखिए वापस ये हमारे पास दो फंक्शन बन रहे हैं, y का अगर मैं करूँ तो y का वन cos y as it is। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करूँ तो cos y as it is रखा मैंने, y का कर दिया वन। ठीक है, अब मैं y को as it is रखूँ तो cos का मेरे पास क्या होता है माइनस साइन वाई, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का साइन वाई। ठीक है, नेक्स्ट साइन वाई का मेरे पास क्या होता है, तो साइन वाई का मेरे पास होता है जी cos y। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया इसको सॉल्व करने पर, e की x माइनस एक्स कोस वाई माइनस टू कोस वाई और प्लस साइन वाई साइन वाई। ठीक है, अब देखो चेक करो कि क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल जीरो बन रहे हैं या नहीं, तो ई की एक्स को दोनों में कॉमन है छोड़ दो, एक्स कोस वाई यहाँ माइनस क्या यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ कोस वाई है हमारे पास एक्स कोस वाई। ठीक है, ये रहा मैंने साइन वाई लिख दिया, ये रहा हमारे पास एक्स कोस वाई।
ठीक है, यहाँ हमारे पास x cos y माइनस क्या है, यहाँ हमारे पास प्लस क्या है, कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करें माइनस टू cos y प्लस टू cos y, कैंसिल आउट, y sin y प्लस माइनस क्या आ गया, कैंसिल आउट, सारा जीरो। यानी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये तो सिंपल था कि हार्मोनिक प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या मिलने फंक्शन मेथड लगाना है जिससे हमें एफ जेड की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, फाई वन एक्स कॉमा वाई के, एंड डेल डेल यू अपॉन डेल वाई हमारा किसके इक्वल होता है, फाई टू एक्स कॉमा वाई के। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं आपस में। तो अब हमें मिलने फंक्शन मेथड लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं रन करूंगी इतने से को यहाँ मेथड लगा रहे। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, मैं इसको रन करके फिर आगे हम यहाँ पे मेथड सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो चीज चाहिए वो हमारे पास पड़ रही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, मिलने फंक्शन मेथड निकाले हम, मिलने फंक्शन मेथड लगाए। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे चाहिए क्या, हमें एफ डैश डायरेक्ट में एफ जेड की वैल्यू लिखनी है, क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आल्टा फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड। ठीक है, और प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब देखिए फाइव वन जेड कॉमा जीरो इसके लिए होता है हमारे पास फाइव वन डेल यू अपन डेल एक्स के लिए, तो रखना क्या है, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। जैसे मैंने एक्स की जगह जेड रखा तो ये क्या बच गया मेरे पास, ई की जेड। ठीक है, नेक्स्ट में पूरा एक बार यही लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना। अब देखिए वाई की जगह क्या रखना है, जीरो। जैसे ही मैंने वाई की जगह जीरो रखा, कोस जीरो क्या होता है हमारे पास, वन। ठीक है, बच गया ये हमारे पास, मैंने लिखा वाई की जगह जीरो। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, जेड, क्योंकि कोस वाई कोस जीरो क्या हो जाएगा, वन, और ये हमारे पास क्या गया, प्लस में जेड आ गई ये चीज हमारे पास। नेक्स्ट हमें पता है साइन वाई जीरो होता है तो ये जीरो होगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फाइव वन जेड कॉमा जीरो। ठीक है, माइनस आयोटा, अब देखिए फाइव टू जेड कॉमा जीरो इसमें पुट करें तो सबसे पहले एक्स की जगह जेड पुट करना है तो ई की जेड। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, जैसे एक्स की जगह जेड वाई की जगह जीरो रखा ये टर्म जीरो होगी क्योंकि साइन जीरो जीरो। ठीक है, नेक्स्ट वाई जीरो रखा जैसे मैंने तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे साइन वाई क्या आ जाएगा, जीरो। यानी ये मेरे पास पूरी वैल्यू क्या बन गई है, मल्टीप्लाई में जीरो बन गई। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ से ओनली, ये वाली टर्म तो जीरो होगी जीरो से मल्टीप्लाई होके, यहाँ मेरे पास बच गया जी क्या, ई की जेड वन प्लस जेड डी जेड प्लस में सी। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, यू डॉट वी लगाएंगे आप। अब देखिए इसमें एक मेथड होता है कि हम इंटीग्रेशन में यू डॉट वी कैसे चेक करें, तो हमारे पास आई लेट रूल होता है, आपने भी सुना है पहले यूज भी किया। तो सबसे पहले देखिए ई वाले जो भी फंक्शन होते हैं सब उनका सबसे लास्ट में होता है, तो हमें यहाँ पे यू डॉट वी जैसे मानना होता तो ये हमारा यू फंक्शन आएगा और ये हमारा वी वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, यही होगा हमारे पास। अब देखिए अब हम इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है यू डॉट वी का, वो क्या होता है इंटीग्रेशन में, यू को बाहर रखा ई का हमारे पास वी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस यू का डिफरेंशिएशन ई का सॉरी वी का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास। अब देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ये मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू चाहिए हमें, तो यू डॉट वी लगाए हम यहाँ पे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यू को बाहर रखेंगे हम। ठीक है, वन प्लस जेड। ठीक है, वी का इंटीग्रेशन ई की जेड का इंटीग्रेशन मैं पूरा लिख देती हूँ, ई की जेड ई की जेड की होता है बस, माइनस इंटीग्रेशन करना होता है पूरे का, यू का हमें डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी जेड वन प्लस जेड यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देन हमें इंटीग्रेशन करना होता है किसका, वी का ई की जेड का, देन पूरे का हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन, इसके रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट और टू जेड के रिस्पेक्ट, और प्लस में हमारा कोई भी कांस्टेंट जो है वो सी चल रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो आइए देखें वन प्लस जेड हमारा एज इट इज ई की जेड का, ई की जेड आएगा हमारे पास क्योंकि कॉन्स्टेंट वन ही होगा, फॉर्म में वन ही आएगा। ठीक है,
माइनस, अब चेक करें यहाँ से, तो यहाँ चेक करो वन का तो क्या होगा हमारे पास जीरो, और जब डीजेड अपॉन डीजेड आएगा तो इसका वन, तो ये तो पूरा वन बना रहा है, ठीक है। ई की जेड का इंटीग्रेशन, ई की जेड वापिस इंटीग्रेशन, तो अभी क्या आएगा हमारे पास ई की जेड, ठीक है, पूरा हो गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट हमारे पास सी चल रहा है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इस ई की जेड का मल्टीप्लाई कर ले, तो ई की जेड प्लस जेड ई की जेड माइनस ई की जेड और प्लस में सी, तो ई की जेड से ई की जेड हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास जेड ई की जेड, किसका एफ जेड की वैल्यू बच गई हमारे पास जेड ई की जेड प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ गया हमारा जेड ई की जेड, ठीक है, डायरेक्ट हमें फंक्शन फाइंड हो गया, हमें कोई भी वी निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखिए हमने तीन मेथड चेक कर लिए, जैसे दो मेथड में तो हमें बी निकाल के फिर हमें एफ जेड निकालना पड़ रहा है, लेकिन इस मेल में थॉमसन मेथड में हमें बी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एनालिटिक फंक्शन अपना एफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं यू प्लस आल्टा वी के फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन है हमें, अब देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे हमें देखिए क्या ले रखा है, हमें ले रखा है जी यू माइनस वी, ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए हमें क्या ले रखी है एक्स माइनस वाई, और दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई और प्लस में वाई, ठीक है, ये चीज दे रखी है हमें किसकी वैल्यू यू माइनस वी की, अभी तक जो चीज हमने सॉल्व किया उसमें हमें सिर्फ यू दे रखा होता था, फिर हम एफ जेड निकाल देते, ठीक है, इसमें हम एफ जेड कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यू माइनस y, ठीक है, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये x कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह जाएगा
वाई स्क्वायर। नेक्स्ट चेक करें हम तो यहाँ से हमारे पास माइनस टू एक्स वाई, तो माइनस का टू एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से चेक करें तो देखिए एक्स का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास वन, और माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास फोर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। तो डेल यू और डेल एक्स की देखिए क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एट एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस का सिक्स एक्स वाई, और माइनस का फोर वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस था थ्री वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, यानी क्या वैल्यू मिली हमें, वाई वन एक्स कॉमा वन, ठीक है। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। जैसे हम डेल यू अपॉन डेल वाई चेक करेंगे तो इसका हमें वाई के रिस्पेक्ट करना है, तो चेक करें यहां से मेरे पास क्या बचेगा, पहले फोर एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट का मेरे पास क्या आएगी वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्लस का टू एक्स वाई, ठीक है। उससे नेक्स्ट चेक करो तो वाई के लिए करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, उससे नेक्स्ट हम चेक करें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो माइनस का एट एक्स वाई, और उससे हम नेक्स्ट चेक करें तो क्या बचेगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करें तो देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स, और ये हमारे पास माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, यानी कि फाई टू एक्स कॉमा वाई। लगा तो मेरे फंक्शन मेथड डायरेक्ट लगा रही हूं मैं, ठीक है। एफ जेड इक्वल क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आल्फा फाई टू जेड कॉमा जीरो, ठीक है, डी जेड प्लस सी, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम डायरेक्ट, फाई वन जेड कॉमा जीरो फर्स्ट में पुट करें, इसमें जेड एक्स की जगह पुट करने तो क्या आ जाएगा मेरे पास थ्री जेड स्क्वायर, वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो इसमें भी वाई और इसमें भी वाई दोनों जीरो होगी जी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट माइनस आटा आएगा हमारे पास फाई टू, फाई टू की वैल्यू चेक करें तो एक्स की जगह जेड तो यहाँ पे थ्री जेड स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वाई की जगह जीरो, ये सारे टर्म खत्म हो गए, डी जेड प्लस में क्या चल रहा है कॉन्स्टेंट हमारा सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास थ्री कॉमन आ रहा है और जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो थ्री जेड स्क्वायर और क्या बचे बच गया वन माइनस आल्फा, ठीक है, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास डी जेड प्लस सी। अब देखो कॉन्स्टेंट को मैं डायरेक्ट बाहर निकाल दूं या फिर यही कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ कर रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर का थ्री का कॉन्स्टेंट है जेड की क्यूब अपॉन थ्री वन माइनस आल्फा भी कॉन्स्टेंट है एज इट इज और प्लस में कॉन्स्टेंट हमारा सी चल ही रहा है, ठीक है। तो थ्री से हमारा थ्री कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास जेड की क्यूब वन माइनस आल्फा प्लस सी, ठीक है, किसके इक्वल चल रहा था हमारे पास एफ जेड के, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू आ गई जी क्या जेड की क्यूब वन माइनस आल्फा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आप अगर आपको वन प्लस आल्फा एफ जेड की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो आप क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को वन प्लस आल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये तो आपके पास क्या बन गया वन प्लस आल्फा एफ जेड, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए वन माइनस आल्फा एंड वन प्लस आल्फा, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आल्फा स्क्वायर ऑलरेडी फिर माइनस वन आ जाएगा तो वन प्लस वन ये आपके पास क्या आ जाएगा टू जेड की क्यूब, तो आपके पास वन प्लस आल्फा एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी टू जेड क्यूब प्लस में वही सी आपके पास कॉन्स्टेंट पड़ा है, ठीक है। तो आज हमने क्या चेक किया, हमने हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो हम क्या निकालते हैं कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद हम निकालते हैं क्या इसका जो फंक्शन एफ जेड गिवन होता है यू प्लस आल्फा की फॉर्म आल्फा बी की फॉर्म है उसको हम जेड में रिप्लेस करते हैं जेड में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, एफ जेड इक्वल यू प्लस आल्फा